सारे टाबरा ने राम राम। आज आप पढ़ से राजस्थान का प्रतीक। राजस्थान का जितना भी कंपटीशन एग्जाम है वह मैं राजस्थान का प्रतीक टॉपिक के माऊँ 1% पक्को आवे। एक हतर आज आप के पढ़ांगा राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। सबसे पहला बात करा राजस्थान को राज्य पक्षी। राजस्थान को राज्य पक्षी कौन है? गोडावण। कौन है? गोडावण। गोडावण देखे डोगे किसों को है कौन देखे डोगे? चलो दिखा दिया। ओ देखो गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण। दिखाई दे रहे आपको? ठीक है। जो राज्य पक्षी है गोडावण, इसको घोषित कब किया गया राज्य पक्षी? 21 मई 1982 को। कब घोषित किया गया? 21 मई 1982 को। जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम। तो गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रीसेप। क्या है? कोरियोटिस नाइग्रीसेप। क्या है? कोरियोटिस नाइग्रीसेप। देखो भाई, चुप रहोगे तो याद नहीं होगा, बोलोगे बार बार तो वीडियो के साथ ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, घोषित कद करियो 21 मई 1982। इंगो वैज्ञानिक नाम के है कोरियोटिस नाइग्रीसेप। एक दो बार बोलो कोरियोटिस नाइग्रीसेप। इसके बाद बात करें इसके उपनाम, इसको क्या क्या बोलते हैं। एक तो बोलते हैं इसको सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया, माल मोरड़ी, माल मोरड़ी, माल मोरड़ी, हुकना, गुधनमेर, ये क्या है दोस्तों? इसके उपनाम है गोडावण को। और क्या क्या बोलते हैं? सोहन चिड़िया, माल मोरड़ी, हुकना, गुधनमेर। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसके अलावा जो गोडावण है ये क्या है दोस्तों? एक अफ्रीका का पक्षी है जो क्या है, सामान्यतः पेड़ों पर नहीं बैठता और पानी के पास घास का घोंसला बनाकर उसमें रहता है। ये कहां कहां पर पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोंकलिया, अजमेर और सोरसन 12। एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, राज्य पक्षी कौन सा? गोडावण। घोषित कब किया गया इसको? 21 मई 1982 को। इसका वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रीसेप, कोरियोटिस नाइग्रीसेप। इसको और क्या क्या बोलते हैं? सोहन चिड़िया, माल मोरड़ी, हुकना, गुधनमेर। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कहां पर पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोंकलिया, अजमेर और सोरसन 12। याद रहेगा दोस्तों, वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं अपने राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा है अपना? खेजड़ी। खेजड़ी देखी हुई है आपकी? नहीं देखी हुई, चलो दिखा देते हैं। ये देखो आप खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु और पक्षी होते हैं उनका क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम।
वैज्ञानिक नाम। पहले तो क्या है, एग्जाम में सीधा ही पूछते थे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी ऑप्शन में देते थे। आजकल क्या देते हैं, वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में देते हैं। राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब राज्य वृक्ष को और क्या क्या कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, और क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का गौरव। क्या बोलते हैं, राजस्थान का गौरव। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं, खेजड़ी को। और खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, विजयदशमी या दशहरा को। कब की जाती है, विजयदशमी या दशहरा को। ये दशहरा और विजयदशमी कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। और जो खेजड़ी है इसकी क्या है, जो कच्ची फलियां होती है, फली, इससे सब्जी बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसकी फलियों को सांगरी। क्या बोलते हैं, सांगरी। और इसकी सूखी फली को, इसकी सूखी फली को क्या बोलते हैं, सूखी फली को खोखा। क्या बोलते हैं, खोखा। और जो खेजड़ी है इसकी जो पत्तियां होती है, खेजड़ी की पत्तियां, इसको क्या बोलते हैं, लूम। क्या बोलते हैं, लूम। इसके बाद देखो कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसको और क्या क्या बोलते हैं, सीमलो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमलो। और क्या बोलते हैं इसको, जांटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जांटी। और जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ये कब घोषित हुआ, 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित हुआ राज्य वृक्ष, 31 अक्टूबर 1983 को, याद रहेगा, वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं अपने राज्य फूल। जो राज्य का जो फूल है वो कौन सा है, रोहिड़ा। कौन सा है, रोहिड़ा। रोहिड़ा देखा हुआ है क्या आपका, कौन ही देखियो, लियो फिर तान दिखा दें। ये देखो रोहिड़ा, राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। दिखाई दे रहा है आपको रोहिड़ा, देखो फिर रोहिड़ा को। रोहिड़ा है जो राज्य वृक्ष, इसको भी कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। अब रोहिड़ा की बात करें तो रोहिड़ा को और क्या बोलते हैं, मरुशोभा। क्या बोलते हैं, मरुशोभा। और जो रोहिड़ा है इसका वैज्ञानिक नाम, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम, रोहिड़ा को वैज्ञानिक नाम पूछ ले के है, तो के है टेकोमिला अंडुलेटा। याद रहे सी, वेरी गुड। राजस्थान को राज्य पशु, राजस्थान को राज्य पशु देखो दो है, एक तो है वन्य जीव श्रेणी और दूसरी है पशुधन श्रेणी। राजस्थान का जितना राज्य पशु है वे दो है, एक तो है वन्य जीव श्रेणी को और दूसरा है पशुधन श्रेणी को। वन्य जीव श्रेणी को है विमो के नाम है चिंकारा, के नाम है चिंकारा। और जो पशुधन श्रेणी को है विमो के नाम है ऊंट, के नाम है ऊंट। जो को चिंकारा है इन्हें कद घोषित करो 12 दिसंबर
12 दिसंबर 1983 और जो पशुधन श्रेणी को जो राज्य पशु है इन्हें कद घोषित करो 19 सितंबर 2014। राज्य पशु दोस्तों दो है, अगर पूछ ले वन्य जीव श्रेणी में तो कौन है चिंकारा और इन्हें घोषित कर करियो 12 दिसंबर 1983 में। और पूछ ले भी पशुधन श्रेणी हो तो पशुधन श्रेणी हो जो राज्य पशु है वो कौन है ऊंट और इन्हें घोषित कर करियो 19 सितंबर 2014 में। अब बात करें चिंकारा को वैज्ञानिक नाम, इनको वैज्ञानिक नाम ये है गजेला बेनेटी। क्या है गजेला बेनेटी, थाने ऑप्शन में गजेला भी मिले तो ओ भी के है सही है। चिंकारा को वैज्ञानिक नाम ये है गजेला बेनेटी और गजेला ये भी दोनों नाम ये है दोस्तों वैज्ञानिक नाम, दोनों में कोई भी ऑप्शन माजे दोनों भी सही है ठीक है, कोई भी ऑप्शन माजे कर दियो। चिंकारा को वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी या गजेला। एक बात बात करा ऊंट की, ऊंट भी देखो दो प्रकार का हो है। एक तो ऊंट ऊपर देखियो थे एक कुबड़ होगी, एक ऊंट होगी जगह के ऊपर दो कुबड़ होगी, यानी कि जो एक कुबड़ वाला ऊंट है जगह अपना राजस्थान में पाया जाए किसी सिर्फ एक ही कुबड़ हुआ है तो बिंग वैज्ञानिक नाम ये है वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियम। क्या है कैमेलस ड्रोमेडेरियम, ध्यान रखिए दोस्तों पिछली बार एग्जाम में ये पूछो भी दो थुए या दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये क्या है दोस्तों कैमेलस बैक्ट्राइन। क्या है कैमेलस बैक्ट्राइन, ध्यान रखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊंट को सामान्यतः वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो ये है कैमेलस ड्रोमेडेरियम, जगह गए ऊंट गए एक कुबड़ हो सिर्फ ऊपर देखियो एक नीकलेट हो इनके बोले कुबड़, तो सामान्यतः पूछ ले भी ऊंट को वैज्ञानिक नाम एक कुबड़ को चुको है ऊंट, दिंगो वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैमेलस ड्रोमेडेरियम। अगर पूछ ले दो थुए वाले या दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम तो क्या बताओगा कैमेलस बैक्ट्राइन, क्या बताओगा कैमेलस बैक्ट्राइन। ये जगह दो थू वाला ऊंट है एक हिट पाया जावे लद्दाख के अंदर, हिट पाया जावे लद्दाख के अंदर, याद रखिए बात ठीक है। अब एक ऊंट में और बहुत बड़ी बात पूछे ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति किसी है राइका के है राइका या रेबारी, ऊंट पालक जाति किसी है रेबारी और मारवाड़ में इन्हें क्या बोले राइका, एक खातर दोनों नाम याद रखियो ऊंट पालक जाति किसी है राइका या रेबारी और ऊंट को जो को नवजात बच्चो हो है, नवजात बच्चा ऊंट के नवजात बच्चे ने क्या कहे टोरडी ऑप्शन वाले तो भी सही है टोरडी या टोडियो। ऊंट पालक जाति किसी है राइका या रेबारी, दो थुए वाले कुबड़ का वैज्ञानिक नाम कैमेलस बैक्ट्राइन, याद। राज्य खेल किसी है बास्केट बॉल घोषित कद करियो 1948 के अंदर, कद घोषित करियो 1948 के अंदर। राज्य नृत्य किसी है घूमर, इसे है घूमर और घूमर कद करी जाए गणगौर पर, कद करी जाए गणगौर पर और गणगौर है कद मनाई जाए चैत्र शुक्ल तृतीया, कद मनाई जाए चैत्र शुक्ल तृतीया और जो घूमर है आपने राज्य नृत्य इन और के वह है राजस्थान राज्य की आत्मा कौन है घूमर नृत्य और राजस्थान को राज्य नृत्य किस है
घूमर और कलगरी जाए गणगौर पर और गणगौर तक बनाई जाए चैत्र शुक्ल तृतीया। एक बात मैं बात करा राजस्थान को राज्य गीत, राजस्थान को राज्य गीत किस है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। अभी उनकी दो प्रश्न बने, इसको पहली बार किसने गाया मांगी बाई ने, प्रथम बार कण गए मांगी बाई। हा मांगी बाई घटेगी उदयपुरी, घटेगी उदयपुरी। और पूछ लिया सर्वाधिक बार कण गए, सर्वाधिक बार तो एक थी अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई। हा अल्लाह जिलाई बाई घटेगी बीकानेर की, घटेगी बीकानेर की। राजस्थान को राज्य गीत की जो है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, प्रथम बार कण गए इन्हें मांगी बाई जकी घटेगी है उदयपुर की, और सर्वाधिक बार कण गए अल्लाह जिलाई बाई आ घटेगी है बीकानेर की। कि अल्लाह जिलाई बाई ने क्या है राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला कौन है अल्लाह जिलाई बाई, ध्यान रखियो पिछली बार एग्जाम में वो पूछड़ो है राजस्थान की मरु कोकिला कौन है अल्लाह जिलाई बाई। एक बात में बात करा राजस्थान को फल, फल किसो है राज्य फल आम, और सर्वाधिक घटे हुए वो चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान में घटा हुआ सर्वाधिक को चित्तौड़गढ़ के अंदर। और भारत में पूछ ले तो भारत में घटा हुआ सारा ज्यादा यूपी या उत्तर प्रदेश, याद रखो ठीक है। कवि की बात करा राज्य कवि, राज्य कवि किसो है सूर्य मल मिश्रण, कौन है सूर्य मल मिश्रण, और सूर्य मल मिश्रण ने क्या कहवे वीर रसावता, क्या कहवे वीर रसावता। लोकवाद्य यंत्र, राज्य लोकवाद्य यंत्र किसो है अलगोजा, के नाम है अलगोजा, और वो क्या टाइप को है सुशीर वाद्य यंत्र है, किसो है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर को मतलब क्या हुआ है भी ईशा यंत्र जका ने फूंक मार के बजाई से बाने के हुआ है सुशीर वाद्य यंत्र, और राज्य वाद्य यंत्र या राज्य लोकवाद्य किसो है अलगोजा, ये किसो है अलगोजा। एक बात में बात करा शास्त्रीय नृत्य, सीधो नृत्य पूछ लिया तो किसो है घूमर, और शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया तो किसो है कथक, किसो है कथक। और इन वो जो प्रवर्तक है वो कौन है जयपुर सु, कटू निकले हो जयपुर घराना सु, और इंगा जगह कथक का जगह प्रवर्तक आवे कौन बानू जी, बानू जी। अगर पूछ लिया था ने शास्त्रीय नृत्य जन तो क्या बताऊंगा कथक, सीधो पूछ लिया तो घूमर, जो को कथक नृत्य है वो कटू निकले है जयपुर घराने सु, और इंगा प्रवर्तक कौन भानु जी। दोस्तों आज हम पढ़ लिया राजस्थान का जगह राज्य है प्रतीक चिन्ह, याद हो गया होना, ना हो या तो एक वीडियो दोबारा देख लीजिए और ताकि नोट्स बना ले। अगर थाने वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि थारा और भी भाई बहन वीडियो को लाभ ले सके। अगे जब तक चैनल सब्सक्राइब ना करियो है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और बेल बटन दबा लियो, जब आगे की जी क्लासा की थाने सूचना है जल्दी मिलती रहे। राम राम।